इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको बता दें, बड़ी खबर आईसीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई। 6 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर 12वीं का नतीजा घोषित किया जाएगा। आईसीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल्यांकन का फॉर्मूला बताया है और यह कहा है कि वो सीबीएसई की तरह 3 साल की परफॉर्मेंस देखने के बजाय 6 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर बच्चों का 12वीं का नतीजा डिसाइड करेगी। यानी कि कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और 12वीं के इंटरनल एग्जाम्स प्री बोर्ड्स के आधार पर एक क्यूमुलेटिव फिगर सामने आएगा, जिसके बेसिस पर रिजल्ट बनाया जाएगा आईसीएसई 12वीं के बच्चों के लिए। लेकिन किसका वेटेज कितना होगा ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। एक बार फिर से सीधे सहयोगी गौनिका अरोड़ा का रुख करते हैं। गौनिका, जहां हम आईसीएसई की बात करें तो वो 6 क्लासेस का वेटेज लेंगी, यानी कि 6 साल की जो क्लासेस हैं, लेकिन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, अभी आईसीएसई की तरफ से एक एलैबोरेट फॉर्मूला जो है वो कोर्ट में सबमिट किया गया है, लेकिन कोर्ट में अगर कहे वर्बली नहीं बताया गया है, सबके सामने नहीं आ पाया है कि किस तरीके से ये पूरा परसेंटेज होगा। लेकिन ये आईसीएसई ने क्लियर किया है कि सीबीएसई जैसे 3 साल के जो मार्क्स है उसके आधार पर इवैल्यूएशन करेगा, आईसीएसई उससे उल्ट कर रहे हैं। तो 6 साल की परफॉर्मेंस को देखा गया, यानी कि 7वीं से लेकर 12वीं तक हर साल की जो मार्क्स हैं उसके आधार पर स्टूडेंट्स को जो 12th के मार्क्स होंगे वो दिए जाएंगे। लेकिन कैसे कितना परसेंट हर क्लास से लिया जाएगा, हर क्लास के मार्क्स कितना परसेंट 12th के मार्क्स में जुड़ेगा, ये फॉर्मूला अभी आईसीएसई का सामने आना बाकी है। अब इसके बारे में अगर अगली सुनवाई की बात करें तो सोमवार को होगी और सोमवार को फाइनल जो है कोर्ट में हेयरिंग होगी, जिसमें कोर्ट फाइनल ऑर्डर देगा, जिसमें अगर किसी भी तरीके के आईसीएसई का भी तैयार होगा। थोड़ा सा सीबीएसई से जटिल होगा क्योंकि 3 साल की बजाय आईसीएसई 6 साल का एग्रीगेट लेकर उसके आधार पर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए रिजल्ट तैयार करेगा। बहरहाल, बहुत शुक्रिया गौनिका आपका तमाम जानकारी तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।